हे गाइस, ये है मेरा रियलमी 7 और आज हम इसमें इंस्टॉल करने वाले हैं एक iOS 14 का लॉन्चर। ये iOS 14 का लॉन्चर हम कैसे इंस्टॉल करेंगे, ये सारी प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले तो हम अपने कीबोर्ड का लुक चेंज करेंगे, इसके लिए मैं जो स्टेप्स कर रहा हूँ वो आप भी कर लेना। ओके, कीबोर्ड का लुक चेंज करने के बाद अब हम जाएंगे प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे अब हम सर्च करेंगे iOS 14 लॉन्चर। ओके, तो इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपको दो और ऐप्स इंस्टॉल करनी होगी। पहला है कंट्रोल सेंटर और दूसरा है लॉक स्क्रीन। ये दोनों ऐप्स मैंने पहले ही इंस्टॉल कर रखी है टाइम बचाने के लिए, तो आप इसे कर लेना और परमिशन भी ग्रांट कर देना। अब इसके बाद हम इसमें अपना जल्दी से पासवर्ड लगा लेते हैं। अब हम इसमें अपना एक लॉक स्क्रीन वॉलपेपर भी लगा लेते हैं। आप कुछ भी लगा सकते हो, मैं ये वाला लगा ले रहा हूँ क्योंकि ये सबसे ज़्यादा चलता है, काफ़ी डिसेंट वॉलपेपर है ये। इसके बाद आप कंट्रोल सेंटर में जाके कंट्रोल सेंटर के ऑप्शन भी ऑन कर लेना। अभी कंट्रोल सेंटर से होगा क्या ये आप देख लो, इससे आपको कंट्रोल्स मिल जाएंगे जैसा कि आईफोन में होता है, जैसा कि आप iOS में एक्सपीरियंस करते हैं। ओके, तो अब हम इसमें वॉलपेपर लगा लेते हैं अपने होम स्क्रीन के लिए। मैं ये वाला चूज़ कर लेता हूँ, जो मन में वो चूज़ करना। ओके, होम स्क्रीन वॉलपेपर सेट करने के बाद अब आप लेआउट चेंज कर सकते हो। लेआउट में आप डार्क मोड इनेबल कर सकते हो, मैंने पहले से ही इनेबल कर रखा था, ठीक है। इसके बाद आपको आइकन्स को रिसाइज करने का ऑप्शन मिलेगा, आप ग्रिड भी चेंज कर सकते हो, मैंने डिफ़ॉल्ट ही रखा है। इसके बाद आप एक काम करना, आप अरे हाँ दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको इस लॉन्चर को एज अ डिफ़ॉल्ट लॉन्चर सेट कर लेना है। कि मैं इस लॉन्चर को डिफ़ॉल्ट लॉन्चर सेट कर लेता हूँ, ये हो चुका है, तो लगभग आपका iOS लॉन्चर इंस्टॉल हो ही चुका है। तो लुक एंड फील में अब ये लॉन्चर आपको पूरी नहीं लगभग iOS की फील दे करा देगा। अब देख लो ये कैसा देखने को मिलता है, आप इसमें सारे ऑप्शंस देख लो, सारे फीचर्स देख लो, आपको पूरा एक्सपीरियंस यहाँ आपको लगभग एक्सपीरियंस iOS वाला ही होने वाला है। मुझे एक चीज़ इस ऐप की अच्छी नहीं लगी, वो है इसकी एड्स। इसमें आपको जंप के एड्स देखने को मिलते हैं, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। इस ऐप में एक और फीचर है, वो है आप इन ऐप्स की आइकन को चेंज कर सकते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो आइकन आप रखना चाहते हो वो आप रख सकते हो। तो अगर आप डॉग फोल्डर विजेट के ब्लर इफेक्ट को बढ़ाना चाहते हैं तो वो आप इस ऐप के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो ओके, तो लगभग हमारा फ़ोन अब हमें iOS वाली एक्सपीरियंस देने वाला है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं आप हमें ज़रूर बताएं।